कि संजीव करमवीर जी कांग्रेस पार्टी को ही इतना डर क्यों सता रहा है? रुपेश जी, किसी तरह का कोई ऑब्जर्वर नहीं लगाया गया है। पार्टी के हमारे AICC के सीनियर नेता यहाँ हैं, उनका काम है। चुनाव प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला जी, वो यहाँ मौजूद है। किसी तरह का कांग्रेस तो आए हैं, वो चुनावी ऑब्जर्वर हर बार बनता है, वो बने हैं लोग। इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है और कांग्रेस का हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई MLA टूटने वाला नहीं है। BJP का तो हर राज्य में ये प्रयास होता है, वो तो अब इस्तीफा का एक नया प्रचलन चलाए हैं कि चुने हुए MLA 6 महीना में इस्तीफा करते हैं। तो ठीक है, लेकिन प्रचलन जो चलाए उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो सफलता नहीं मिलने वाली है। 123 का हम लोग आंकड़ा पार करेंगे। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। मधुबनी विधानसभा सीट से RJD की जीत हुई है। RJD ने जीत ली है मधुबनी विधानसभा सीट। RJD के समीर महासेठ 6,864 वोटों से जीत गए हैं, ये नतीजा सामने आ गया है। हमारे साथ जितेंद्र नीरज जी मौजूद हैं JDU से। जितेंद्र नीरज जी, क्या अब आपको लग रहा है ये अंतर कम होता जा रहा है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, क्या इसी वजह से बैठकों का दौर चल रहा है? जी बोले जी, हेलो जी, उनसे उनके पास शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। वापस चितरंजन गगन जी के पास जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जीत दर्ज की गई है RJD उम्मीदवार की तरफ से असफर शमसी साहब। क्या इसी वजह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ये अंतर अब कम होता दिखाई दे रहा है, 119-116? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देखिएगा, शुरू से ही आज लगातार NDA बढ़त बनाए हुई है और अल्टीमेटली NDA को ही सरकार बनाना है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, लेकिन जब शुरू में बढ़त बनाई थी तब तो 10% वोटों की गिनती हुई थी। नहीं नहीं, और लगातार आप देखिए, इस बीच में पूरे दिन देखिए कि कभी भी आगे महागठबंधन बढ़ा हो। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पूरे देश में उसकी कोई हैसियत नहीं है। देश से कांग्रेस मुक्त हो गया है और बिहार से भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है। भाजपा मुक्त की शुरुआत हो गई है। डेढ़ दर्जन स्टेट्स में उसकी अपनी डायरेक्ट सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आप अपनी चिंता कीजिए, आप यहाँ RJD के कंधे पर चल के भी क्या स्थिति है। 15 साल से आप JDU के कंधे पर क्यों चल रहे हैं, और जब उसके कंधे से हटे तो हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ जितेंद्र नीरज। जनता दल यूनाइटेड से हम 53 सीट पर आ गए। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हमारा स्ट्राइक रेट आप करें तो गठबंधन धर्म का पालन क्या है, और हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट बराबर आगे रहा है और अभी भी आगे रहा है। लेकिन गठबंधन में हम जो तय करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये आपका दावा कि आप पूरा करेंगे जो आपने वादा किया गठबंधन धर्म में।